कोई इस तरह का कोई इवेंट आता है, ईद आ गई, किसी की कोई शादी आ गई, कब आप ट्रैवल कर रही, तो पहले से सोचा हुआ होता है यार कि चलो ईद आ रही है, ईद पे तो हमारी अच्छा खासा कंटेंट निकल जाएगा? अच्छा, कंटेंट तो हमारा आप कह लें कि पूरा साल ही बनता रहता है, लेकिन ईद पे ये होता है कि लोग बहुत वेट करते हैं कि आपने क्या पहनना है, आप कैसे तैयार होंगे, तो उस पे जो आप ईद पे वीडियोस पोस्ट करते हैं उस पे नॉर्मल से ज़्यादा हमारी रीच आती है। अच्छा। तो ऑब्वियसली हम उसके बारे में सोच के रखते हैं कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज़ बनानी है, लोग पसंद करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ टिकटॉक पे, ये तो अब इंस्टाग्राम पे हर बंदा कर रहा है, इवन कि हमारी एक्ट्रेसेस कर रही हैं, हमारे जो वेल नोन एक्टर्स वगैरह हैं वो सब बना रहे हैं, तो हम ये सोच के रखते हैं कि हमने ये पहनना है और हमने ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है, और ईद से 3-4 दिन पहले हम पहला पार्ट बना लेते हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा किस तरह के सवाल आते हैं कमेंट सेक्शन में, किस तरह का ज़्यादा आपको लोगों को क्यूरोसिटी है आपसे? पता नहीं, लोग शादी के पीछे पड़े रहते हैं। शादी कब करेंगी, किससे करेंगी, क्या होगा? मैं कहती हूँ मुझे एक दफ़ा डिग्री लेने दो और उसके बाद देख लेंगे, जो मामा पापा कहेंगे हम कर लेंगे, ऐसे इतना मतलब आप क्यों बार बार एक ही सवाल पूछो? बल्कि मेरी बहस होती है अपने फॉलोअर्स के साथ, मैं कहती हूँ ये सवाल नहीं पूछना और जो मर्जी पूछो। बट मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जन्नत, आपने बोला कि बिकॉज यू हैव चोजन टू मेक योर पर्सनल लाइफ पब्लिक एज वेल, तो लोगों का हक है वो आपसे पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ। एक दफा पूछे, दो दफा पूछे, बार बार आप एक डीएम में जा रहे हो, शादी कब करोगी, शादी कब करोगी, शादी कब करोगी, आंसर लड़के पूछते हैं या लड़कियां पूछते हैं? लड़के पूछते हैं। तो लड़के इसलिए पूछ रहे हैं ना यार कि उनका कोई नंबर लग सके अगर किसी तरह से। नहीं, ऐसी बात नहीं, बस ये थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है अक्सर कि सवाल। मैं आपकी ज्यादा पर्सनल लाइफ में इसीलिए नहीं जाना चाहता ऑब्वियसली, बट क्योंकि आपने बहुत हद तक अपनी पर्सनल लाइफ शेयर भी की हुई है, तो इस तरह अगर You know, होता है कि हसन लोगों को लगता है कि हमने अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की हुई है, दैट्स नॉट ट्रू। हम जो दिखा रहे हैं लोग सिर्फ वो देख रहे हैं, लोगों को नहीं पता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हम कुछ भी दिखा सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है कि हमने अपनी पर्सनल लाइफ सामने सारी रख दी है, दैट इज़ नॉट ट्रू। जैसे आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत बात होती थी, हर वक्त मैं देख रहा हूँ कि आर्टिकल्स और इतने सारी चीज़ें लिखी गई, पोस्ट हुए इंस्टाग्राम पे, हो गया, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर उसके ऊपर आए, फिर ब्रेकअप के बाद आपसे पूछा गया कि भाई हेलो क्या हुआ, क्यों हुआ? मैंने देखा है एक बंदे ने आपसे वाकई में ये सवाल पूछा आपके मुंह पे कि क्यों हुआ ब्रेकअप, तो आई थिंक इट वाज क्वाइट इम्पोलाइट, अगर हुआ भी है तो पर्सनल मैटर, आप पब्लिक में। अच्छा, मैं यहाँ पे यही बात करूँगी कि आपकी अपनी चॉइस होती है, आप अगर किसी के साथ नहीं चल सकते तो आप उसको अच्छे तरीके से ख़त्म कर दो, ज़रूरी नहीं कि आपने उसका बहुत बड़ा ड्रामा बनाना है। और अब अगर आप ये सवाल किसी से पूछ रहे हो तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसे आंसर दिया था कि हाँ जी हम बस नहीं साथ चल सकते थे, तो आई एंडेड इट, इसमें कोई बुराई नहीं है।